ब्रह्म ऋषि श्री देवराज संघ चैनल में आप सभी का स्वागत है। गणपति को विघ्नहर्ता कहा गया है, लेकिन ये भी माना जाता है कि गणपति के नाराज होने पर हर काम में अमंगल होता है। इसीलिए गणपति पूजन में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, जिससे गणपति नाराज ना हो। पुराणों में गणपति पूजन में कुछ चीजों को वर्जित बताया गया है। कहा गया है कि इनके प्रयोग से गणपति अप्रसन्न होते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिनका प्रयोग हमें गणपति पूजन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आती है तुलसी। गणेश पुराण में कथा है कि देवी तुलसी भगवान गणपति को तपस्या में लीन देखकर उन पर मोहित हो गई और विवाह का प्रस्ताव दे दिया, लेकिन गणपति ने यह कहकर विवाह से इनकार कर दिया कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगी। देवी तुलसी ने गणपति को क्रोधित होकर के शाप दे दिया कि आपको विवाह तो करना ही होगा, आप ब्रह्मचारी नहीं रह पाएंगे। गणपति ने भी आवेश में आकर तुलसी को शाप दे दिया कि आपका पति एक असुर होगा। इस कारण तुलसी का विवाह जालंधर नाम के एक असुर से हुआ और तुलसी गणेश पूजन में वर्जित हो गई। दूसरी वस्तु है टूटे और सूखे चावल। अटूट चावल को अक्षत कहा जाता है। गणपति को जल से गीला करके अक्षत समर्पित करना चाहिए। गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है, इससे गीला चावल होने पर उन्हें स्वीकार करना गणपति के लिए सहज होता है। टूटे हुए चावल को अशुद्ध माना जाता है और सूखा चावल होने पर कठोरता के कारण गणपति उसे स्वीकार नहीं करते। तीसरी चीज है सफेद फूल। गणपति जी को लाल फूल प्रिय है। गणेश पुराण में जिक्र किया गया है कि गणेश की पूजा में लाल फूल का ही प्रयोग करना चाहिए। गणपति ऊर्जा और उत्साह के प्रतीक हैं, इसीलिए इनकी पूजा में उत्साह वर्धक रंग लाल फूल और सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। सफेद पुष्प का संबंध चंद्रमा से होने के कारण इसे गणपति को नहीं चढ़ाया जाता। गणपति को देखकर चंद्रमा ने उनका उपहास किया था, इसीलिए गणपति ने चंद्रमा को श्राप दिया था और उनसे संबंधित सभी चीजों को पूजा में वर्जित कर दिया था। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि गणेश चतुर्थी यानी गणपति के विशेष दिन पर चंद्रमा के दर्शन करना तक वर्जित होता है। इसलिए आप कृपया गणेश चतुर्थी की रात्रि को चंद्रमा का दर्शन ना करें। इन तीन चीजों के अलावा जो चीजें वर्जित हैं, सफेद वस्त्र, सफेद जनेऊ, सफेद चंदन का प्रयोग भी गणपति पूजन में नहीं करना चाहिए। लाल और पीले रंग की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। तो ये थी वो चीजें जो गणपति पूजन में वर्जित हैं। हम आशा करते हैं कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और गणपति पूजन से सहस्त्र फल प्राप्त करेंगे। नमो नारायण।